साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। वन विभाग के अफसर पिछले 4 साल से सावन नाम के हाथी का हर साल धूमधाम से 2 अगस्त को जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर वन विभाग ने बाकायदा स्पेशल फ्रूट केक सावन हाथी को खिलाकर जन्मदिन की खुशियां बटोरी हैं। वन विभाग के इस पहल से जंगल में मौजूद हाथियों की कंडीशन, रखरखाव, खाने पीने के काम भी आसानी से हो रहे हैं। साथ ही मानसून पेट्रोलिंग के दौरान हाथियों की अहम भूमिका होती है, जिन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि अन्य जानवरों को आसानी से जान बचाई जा सके। यह है यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटा एलिफेंट कैंप कालागढ़ कार्वे टाइगर रिजर्व। इस कैंप में वन विभाग के कर्नाटक से 9 जंगली हाथियों को बुलाया गया था। इसी बीच एक हथनी ने 4 साल पहले हथनी को जन्म दिया था। वन विभाग के अफसरों ने हाथी का नाम पैदाइश के वक्त सावन में रखा था, जिसने वन विभाग पिछले 4 सालों से हाथी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। जी सर, बताएं। आज आज इसका जन्मदिन मनाया गया है, जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयाँ इनको प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह, स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खासकर प्रोडक्शन की गतिविधियाँ जो संचालित होती हैं, खासकर मानसून सीजन में, मानसून पेट्रोलिंग के दौरान, जब जंगल के अंदरूनी हिस्से एक्सेसिबल नहीं रह जाते हैं, उस समय पर हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है। हमारा पूरा ध्यान और पूरा जोर इस बात पर रहता है कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इनकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे, और इसी के उपलक्ष्य में आज ये जन्मदिन मनाया गया है। और इनका पूरा चेकअप कर, कुछ बातें मेरे संज्ञान में लाई गई हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है एलिफेंट कैंप, उसकी तरफ भी मैंने निर्देशित किया है कि इसके एस्टिमेट्स और इससे संबंधित समस्त कार्य वो जल्दी से जल्दी पूर्ण किए। जी सर, बताएं। आज आज इसका जन्मदिन मनाया गया है, जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयाँ इनको प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह, स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खासकर प्रोडक्शन की गतिविधियाँ जो संचालित होती हैं, खासकर मानसून सीजन में, मानसून पेट्रोलिंग के दौरान, जब जंगल के अंदरूनी हिस्से एक्सेसिबल नहीं रह जाते हैं, उस समय पर हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है। हमारा पूरा ध्यान और पूरा जोर इस बात पर रहता है कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इनकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे, और इसी के उपलक्ष्य में आज ये जन्मदिन मनाया गया है। और इनका पूरा चेकअप कर, कुछ बातें मेरे संज्ञान में लाई गई हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है एलिफेंट कैंप में, उसकी तरफ भी मैंने निर्देशित किया है कि इसके एस्टिमेट्स और इससे संबंधित समस्त कार्य वो जल्दी से जल्दी पूर्ण किए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए।